हाँ इन्वेस्टर्स, एक और आईपीओ ओपन हो गया है, एचपी हाइडेंसियो का आईपीओ। आईपीओ 15 दिसंबर को ओपन हो गया है एंड 17 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। प्राइस बैंड 262 रुपए से 274 रुपए रखा गया है। एक लॉट में करीब 50 शेयर्स रखे गए हैं, मैक्सिमम लॉट है 14 लॉट्स के साथ ही 700 शेयर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का साइज करीब 126 करोड़ के आसपास से। वही फ्रेश इक्विटीज कंपनी 113.44 करोड़ रुपए के जारी करेगी। वही ऑफर फॉर सेल के तहत मौजूदा इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी करीब 1250 करोड़ रुपए की बेचेंगे। वही आईपीओ के पहले जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी रहने वाली है करीब 95% के आसपास से। एचपी हेडेस्यू मल्टी कैटेगरी के प्रोडक्ट, मल्टी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके प्रोडक्ट्स का। वही कंपनी एडेस्यू यानी कि गोंद, एडेस्यू को हम हिंदी में गोंद कहते हैं, इसके अलावा सिलेक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। यह भारत की अपनी सबसे बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी पीवीसी सॉल्वेंट सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में एक दिग्गज कंपनियों में शामिल है। इसके अलावा कंपनी कुछ चुनिंदा पीवीसी पाइप्स कंपनीज के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं भारत में एडेसियो एंड सिलेट्स की मार्केट शेयर 65% पीडियोलाइट इंडस्ट्रीज का है और मार्केट लीडर कंपनी है पीडियोलाइट इंडस्ट्रीज। वहीं इस कंपनी का जो मार्केट शेयर करीब 17% के आसपास बताया जा रहा है, यानी कि ये भी दिग्गज कंपनियों में शामिल है। फर्स्ट पीडियोलाइट इंडस्ट्रीज है जो कि फेमिकोल बनाती है, गोंद बनाती है, एडहेसिव हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कंपनी इस फंड का यूटिलाइज वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेगी और महाराष्ट्र के रायगढ़ के नारंगी गांव में इनका जो यूनिट है, प्लांट है, उसके पास में एक और प्लांट स्थापित करेगी ये कंपनी। और इसी के साथ अभी जो इनके मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उनको भी लाइंस करेगी, यानी कि उनकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज करने में इस फंड का यूज किया जाएगा। वहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट रिस्क क्या है इस कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट रिस्क है वो ये क्रूड ऑयल, इनको रॉ मटेरियल चाहिए रहता है। तो ये क्रूड ऑयल जो जिन कंपनियों से खरीदते हैं तो इनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो इनके इस पे वित्तीय प्रभाव भी पड़ सकता है, यानी कि नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, जहां पर इनका प्रॉफिट इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कंपनीज का वित्तीय प्रॉब्लम भी इनको आ सकते हैं, यानी कि कैश फ्लो डिक्रीज हो सकता है, प्रॉफिट कंपनी को कम हो सकता है, कहीं से कर्ज इनको लेना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम ज्यादा इंक्रीज होंगे तो इनके कैश फ्लो में प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा प्रॉफिट भी डिक्रीज हो सकता है कंपनी का क्वार्टरली, ये सब प्रभाव इनका पड़ता है। कोई भी कंपनी जिससे ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं करती, कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है। हर बार जब भी ये रॉ मटेरियल खरीदने जाते हैं तो इनको अलग प्राइस पर इनका रॉ मटेरियल मिलता है, तो ये इनके लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्क हो सकता है कंपनी के लिए। वो इनके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल 2020 में इनको करीब 5 करोड़ रुपए का लॉस देखना पड़ा था, वही फाइनेंशियल 21 में काफी अच्छा प्रॉफिट इनको हुआ, यानी कि 5 करोड़ का जहां लॉस था यहाँ फाइनेंशियल 21 में इनको करीब 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया था कंपनी को, और फ्यूचर में भी इस कंपनी में ग्रोथ होने की संभावना है। इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्ड कर आप चलें, आपको डेफिनेटली अच्छा फायदा इस कंपनी निकाल कर देगी। अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, शेयर करके हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट कर दो कि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।